हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको क्रिस्पी मसाला डोसा बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। आप इसे सांभर और नारियल की चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी है। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसकी पूरी वीडियो बताऊँगी, डोसा कैसे बनाना है और सांभर कैसे बनानी है। चलिए तो अब हम सबसे पहले डोसा बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 3 कटोरी चावल लिए हैं। हमें एक ही मेजरमेंट रखना है सबका। 1 कटोरी उड़द दाल ली है। अब हम उड़द दाल को 7 से 8 घंटे के लिए भिगो देंगे। इसी तरह हम चावल को भी भिगो देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। आठ घंटे हो चुके हैं। अब हम भीगी हुई दाल को मिक्सर जार में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये बिल्कुल फाइन पेस्ट होना चाहिए। और इसे एक बड़े बर्तन में डाल देंगे। अब हम इसी तरह चावल भी पीस लेंगे। हमें इन्हें अलग अलग ही पीसना है। इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह की कंसिस्टेंसी तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह बैटर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है हमें और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अब हम इसे 10 घंटे के लिए गर्म जगह पर फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। आप इसे पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब हम सांभर तैयार कर लेते हैं। सांभर के लिए मैंने कुकर में 1.5 लीटर पानी लिया है। इसमें 1 कप कटी हुई लौकी डाल देंगे। 1 कप कटा हुआ बैंगन डाल देंगे। 1 कप कटी हुई गाजर डाल देंगे। 1 कप कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और 1 कप कटा हुआ प्याज डाल देंगे। ये 1 कप भीगी हुई अरहर की दाल है। इसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखा था। इसे भी हम डाल देंगे और इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मसालों को अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस पे ढक्कन लगा के 7 से 8 सीटी आने का वेट करेंगे। अब हम इमली का पानी तैयार करेंगे। अब हम 1 बाउल में 1/2 कप इमली डाल देंगे और 1 कप गर्म पानी डालकर इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। दस मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे हाथों से मसल कर इसका पल्प तैयार कर लेंगे।
और इसे छलनी की सहायता से छान लेंगे। हमारा इमली का पानी तैयार हो चुका है। कुकर को खोल लेना है। मैंने इसे हैंड मिक्सचर से इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इससे सभी सब्जियां आपस में मिक्स हो जाएंगी। अब हम एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और तेल गर्म होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच राई डाल देंगे, 2 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और इसमें थोड़ी सी मीठी नीम की पत्तियां डाल देंगे। इसे डालते वक्त हमें थोड़ा दूर हो जाना है। अब हम इसमें हमारी सांभर दाल डाल देंगे। इसमें इमली का पानी डाल देंगे और उबाल आने तक पकाएंगे। हमारे सांभर में उबाल आ चुका है। अब हम एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमारे सांभर में डाल देंगे। बेसन डालने से हमारा सांभर क्रीमी टाइप का बनेगा और इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 2 चम्मच सांभर मसाला पाउडर डाल देंगे। मैंने एवरेस्ट का सांभर मसाला यूज़ किया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दिया है और फिर से इसे मिक्स करेंगे। हमारा सांभर रेडी हो चुका है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल मार्केट जैसा बना है। अब हम जैसा के लिए आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। इसमें 1 चम्मच राई डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और अच्छे से पका लेंगे। इसमें 1 कप कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए और हल्का कलर ना आ जाए। इसे हमें ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, सॉफ्ट होने तक ही पकाना है। इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। इसमें उबले हुए मैश किए हुए आलू डाल देंगे, ये लगभग 2 कटोरी हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डालकर इसे भी मिला लेंगे। डोसा के लिए आलू का मसाला तैयार हो चुका है। नारियल की चटनी के लिए, नारियल की चटनी का वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से नारियल की चटनी का वीडियो देख सकते हैं। 10 घंटे हो चुके हैं, हमारा डोसा बैटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा डोसा बैटर फर्मेंट हो चुका है। इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने डोसा बनाने के लिए नॉन स्टिक पैन यूज़ किया है।
इसे अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर इसका फ्लेम हम लो कर देंगे। इस पर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे आप कपड़े साफ़ कर लेंगे और इस पर एक चम्मच डोसा बेटर डालकर इसे अच्छे से फैला लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे फैलाना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप पहले डोसा पैन को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और उस पर कटा हुआ प्याज रब करें और फिर आप उसके बाद में डोसा बनाएं। बिल्कुल जैसा मैंने बनाया उसी तरीके से बनाएं, आपका डोसा नहीं चिपकेगा। और इस पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे, इसे हम मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब इसका कलर चेंज होने लगे तब हमें इसे लो फ्लेम पर कर देना है और लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक पकाना है। अब इस पर हम आलू का मसाला डाल देंगे, आप चाहे तो इसे फैला भी सकते हैं। एक डोसा को बनने में लगभग 5 से 7 मिनट लगती है। ये हमारा डोसा बन चुका है और इसे हम फोल्ड कर लेंगे। अगर आप इसी तरीके से डोसा बनाएंगे तो कोई गलती नहीं होगी। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। अब हम इसे नारियल की चटनी और सांभर के साथ सर्व करेंगे। आप भी इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।